अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं ज़ैन अली टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, ये स्टार सेट का एलईडी टीवी है। स्टार सेट चाइना का मॉडल है, तो ये इसको पावर दी है, ये इसकी ग्रीन लाइट आप देख सकते हैं। इस वक्त सेट हमारा ऑन है, लेकिन इसकी जो बैक लाइट है वो ऑन नहीं हो रही। ठीक है, तो बैक लाइट इसमें आपका फॉल्ट है। बैक लाइट इसकी बिल्कुल ओके है, मैंने भी इसको बैक कवर को रिमूव किया, मैंने भी चेक किया, तो इसके बोर्ड मदर बोर्ड में फॉल्ट है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर बैक लाइट इसकी ऑन नहीं हो रही तो बैक लाइट में फॉल्ट होगा। ठीक है, नहीं तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि इसमें फॉल्ट कहाँ पे है। बैक लाइट इसकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बैक लाइट को वोल्टेज ही नहीं मिल रही, बैक लाइट को वोल्ट नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से बैक लाइट इसकी ऑन नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका लोगो भी बनता है, मैंने इसको ऑन किया तो इसका ऊपर स्क्रीन के ऊपर स्टार सेट का लोगो भी आता है, तो आप देख सकते हैं। इस वक्त इसके ऊपर कुछ भी नज़र नहीं हमें आ रहा। ठीक है, बिल्कुल इस वक्त यानी कि डिस्प्ले वगैरह नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, यानी कि इसकी बैक लाइट जो है वो ऑन नहीं हो रही। तो ऑन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इसके बोर्ड में फॉल्ट है। बोर्ड में फॉल्ट होने की वजह से ये बैक लाइट को वोल्ट नहीं मिल रहे प्रॉपरली, पूरे जितने मिलने चाहिए, जिसकी वजह से इसकी बैक लाइट ऑन नहीं हो रही। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इसका बोर्ड है। ठीक है, ये इसका बोर्ड लगा हुआ है। तो ये इसका स्पीकर का जैक है, ये इसका बैकलाइट का जैक है। ठीक है, ये बैकलाइट का जैक है। तो इसमें फॉल्ट कहाँ पे है, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये इसका एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा दो ये कैपेसिटर हैं, ये मेन कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो ये वाला कैपेसिटर है ये ख़राब है। ठीक है, ये दो डायोड लगे हुए हैं, डायोड के साथ ये दो कैपेसिटर हैं। ठीक है, ये 330 और 35 वोल्ट का कैपेसिटर है, ये 35 वोल्ट वाला कैपेसिटर जो है वो ख़राब है। ठीक है, ये कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से हमें बैक लाइट को वोल्ट नहीं मिल रही, जिसकी वजह से इसकी बैक लाइट ऑन नहीं हो पा रही। ठीक है, तो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये साथ वाला कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, ये इसका उबार आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर से उभरा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो ये कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से बैक लाइट को वोल्ट नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से इसकी बैक लाइट जो है वो ऑन नहीं हो पा रही। तो बहरहाल चलो इसको रिमूव करते हैं, रिमूव करके देखते हैं, इसको कन्फर्म कर लेते हैं क्या क्या वाकई इसमें फॉल्ट है या कि आया इसकी बैक लाइट ही ख़राब है। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये कैपेसिटर का है, या हम कैपेसिटर चेंज करेंगे, उसके बाद बैकलाइट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, पहले कैपेसिटर चेंज करके देखते हैं, अगर ठीक हो जाता तो फॉल्ट हमारा ओके है, अगर नहीं तो फिर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे बैकलाइट के, जब वोल्ट पूरे मिलेंगे तो फिर बैकलाइट में फॉल्ट हो सकता है। तो जी फ्रेंड्स, ये बोर्ड है, हम इसको मैं रिमूव करने लगा हूँ इसका। ये इसका स्पीकर का जैक है, तो चीज ये बोर्ड मैंने रिमूव कर लिया। अब हमें ये कैपेसिटर जो है वो रिप्लेस करेंगे। ये कैपेसिटर को हम रिमूव कर लेते हैं। तो जी ये कैपेसिटर रिमूव कर लिया मैंने। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं और इसका उबार आपको नज़र आ रहा है, ये ख़राब है। ठीक है, ये ख़राब है, जिसकी वजह से बैकलाइट को वोल्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। ठीक है,
तो हम इसकी जगह पे मैं ने ऐड करूँगा, ठीक है। ये कितना है? ये 330 है, और 330 UF और 35 वोल्ट का, ठीक है। ये 35 वोल्ट का कैपेसिटर, तो अब हम इसकी जगह पे ये ने ऐड करेंगे। असल में इसमें डबल प्रिंट होते हैं ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इसको लगाने में। ये भी थोड़ा तो जी, ये मैंने लगा दिया इसको, ठीक है। ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। उम्मीद है कि बस एसी का फॉल्ट होगा, क्योंकि बैकलाइट को बिल्कुल भी वोल्ट नहीं मिल रहे थे। अगर बैकलाइट को वोल्ट मिल रहे होते तो फिर बैकलाइट का फॉल्ट भी हो सकता था, लेकिन अभी तो फिलहाल तो कैपेसिटर का फॉल्ट लग रहा है। तो होना भी इसी का चाहिए, क्योंकि ये कैपेसिटर ख़राब है। एक दो स्क्रू लगा लेते हैं, बाकी बाद में ऐड करेंगे। ओके, तो ये इसकी बैकलाइट का जैक, ठीक है। ये इसका स्पीकर का चेक है, ठीक है। ये भी, अब हम इसको पावर देंगे। तो ये पावर मैंने इसको दे दिया, इसका 220 भी लगाया। तो ये मैंने इसको पावर दे दिया। तो जी, अब हमें मैं इसको पावर देने लगा हूँ। ये पावर दे दिया, इसकी ये रेड लाइट ऑन हो गई। अब तो देख सकते हैं इसकी बैक लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है, ठीक है। अब इसकी बैक लाइट ऑन है, ये देख सकते हैं, नो सिग्नल, ठीक है। तो जी, देख सकते हैं बैक लाइट, इस वक्त डिस्प्ले भी इसका आ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी बैकलाइट बिल्कुल ओके थी, बस इसमें फॉल्ट क्या था कि इसका कैपेसिटर जो था वो ख़राब था। ये कैपेसिटर है 35 वोल्ट का, ये ख़राब है, जिसकी वजह से बैकलाइट को वोल्ट नहीं मिल रहे थे, ठीक है। जब बैकलाइट को वोल्ट नहीं मिलेंगे तो बैकलाइट इसकी नहीं ऑन हो रही थी, ठीक है, इस वजह से। तो अभी सेट हमारा इस वक्त ओके।